नए समीकरण सामने आ रहे हैं। जो पार्टियां अच्छी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को जगह देती थी, वो पार्टियां भी इस बार बचती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में मुस्लिमों का अच्छा खासा वोट बैंक है, लेकिन मौजूदा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाने में कंजूसी बरती जा रही है। दरअसल इस बार मेरठ ही नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बागपत सीट पर भी मुस्लिमों की सियासी रहनुमाई के लिए किसी भी प्रमुख दल ने इन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया है। विपक्षी पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए डोरे तो डाल रही हैं, लेकिन टिकट वितरण में उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। अब इस समीकरण को लेकर बीजेपी भी विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि मुस्लिमों का विपक्ष से मोहभंग हो चुका है, तो वहीं एसपी ने बीजेपी के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि टिकट वितरण में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मुझे लगता है कि सभी समाज जो कभी अपने आप को सपा के नजदीक पाते थे, वो आदरणीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से अब जान गए हैं कि ये पार्टियां कास्ट, क्रीड, रिलीजन के आधार पर जो भेद करती थी, भारतीय जनता पार्टी उनसे अलग है। हम सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, सबके प्रयास में विश्वास रखते हैं, इसलिए धीरे धीरे अखिलेश का मन भी इनकी तरफ से हटता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशियों का चयन है, उसमें समाज के सभी वर्गों धर्मों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लड़ाई बहुत बड़ी है और उत्तर प्रदेश की तमाम 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। निश्चित रूप से जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनमें सभी धर्मों सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है, और हमने इसका भी ख्याल रखा है कि कहीं ना कहीं जो पीडीए है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रताड़ना भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई है, उसको आगे करके रखा जाए और उसकी लड़ाई लड़ी जाए। वही पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय ने कहा है कि 2024 के चुनाव में डायनेमिक्स बदले हैं। जो पार्टियां ज्यादा टिकट देती थी, उन्होंने कम उम्मीदवारी दी है। मुस्लिमों का वोट भरपूर मिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के डायनेमिक्स बिल्कुल बदले हुए हैं। जो पार्टियां परंपरागत तौर पे मुस्लिम कैंडिडेट को ज्यादा टिकट दिया करती थी, इस बार कम दे रही हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत ही कम 4 अभी तक मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं। ये वो पार्टियां हैं जो बीजेपी पे आरोप लगाया करती थी कि वो किसी को माइनॉरिटी को टिकट नहीं देते। यूपी में 19% माइनॉरिटी की आबादी है, और जहां तक अभी तक के जो आंकड़े हैं वो यही बताते हैं कि ये हिस्टोरिकल लो है। सियासी दलों के बीच शहमात का खेल तो जारी है, और सूबे में इस बार विपक्षी पार्टियां मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारने से बच रही हैं। मुस्लिमों की जगह हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक की सीटों पर यही पैटर्न देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल तो यही है कि अपने कोर वोटर को आगे करने में विपक्षी पार्टियां बच क्यों रही हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।